नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है, आप देख रहे हैं द क्वेश्चन आंसर भारत। बहुत दिन बाद मैं वीडियोस के साथ आ रहा हूँ, सोचा फिर कंटिन्यू करूँगा। लोगों की ये मांग थी कि मैं सिर्फ लाइव ना करूँ, वीडियोस भी बनाऊँ। लाइव एक एक घंटे का हो जाता है, लोग ज़्यादा देर तक रुकते नहीं, कभी कभी लोग आते भी नहीं, बहुत कम लोग आते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा कि वीडियोस भी ट्राई करेंगे और लाइव भी ट्राई करेंगे, दोनों चीज़ें एक साथ करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा लेकिन ट्राई करेंगे। तो आज भी लाइव आएंगे, उसके लिए आप कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, हर जगह मैं लिंक डाल दूँगा। किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन करना हो जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि कभी भी कोई नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि डीएमए चली गई हाईकोर्ट के पास कि सर देखिए ये क्या बोल रहे हैं, इनको रोकिए, हमारी एलोपैथी खतरे में आ गई, हमारी हमारे डॉक्टर्स का मोराल लूज हो रहा है, एलोपैथी से लोगों का भरोसा उठ रहा है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा भैया हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम उनको बोलने से नहीं रोकेंगे। क्या है आप ये पढ़ लीजिए क्या लिखा है। दिल्ली हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू रिस्ट्रेन बाबा रामदेव फ्रॉम रिमार्क्स ऑन एलोपैथी एंड पतंजलि। सब डीएमए की सूट सुनने के बाद जस्टिस हरिशंकर साहब ने कहा, यहाँ लिखा हुआ है नोटेड, आई डोंट थिंक योर एलोपैथिक प्रोफेशन इज सो फ्रेजाइल समवन हैज अ व्यू दैट इट इज वे बिकॉज ऑफ इनएफिशियंसी एलोपैथिक मेडिसिन दैट सो मैनी पीपल हैव डाइड। आई थिंक इट कम्स विद इन आर्टिकल 19(1)(a) अगर एलोपैथिक की इनएफिशियंसी से कुछ लोग मर रहे हैं, ऐसा किसी ने बोल भी दिया, तो शायद ये आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर आता है, फ्री स्पीच के अंडर आता है। इसमें आपका जैसे होता ना कि मुसलमानों के लिए होता है कि धर्म खतरे में पड़ गया, मजहब खतरे में पड़ गया, गला काट दो, तो जैसे उनका मजहब इतना कमज़ोर है कि मोहम्मद के ऊपर एक टिप्पणी कर देते हैं वो लोग, तो पूरी दुनिया, पूरे अरब वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड का मजहब खतरे में आ जाता है, तो गला काटना वो सही समझते हैं। तो यही हो रहा है, तो ये भी रामदेव के गले के पीछे पड़ गए कि इनको अरेस्ट करो, इनको समन करो वगैरह वगैरह। द डीएमए एसोसिएशन आर्ग्यूड रामदेव मिस रिप्रेजेंटेशन ऑन कोरोनरी एंड एलोपैथी वर रेजिंग इश्यूज ऑफ ग्रेव इंपॉर्टेंस टू विच द बेंच नोटेड इट इज एन ओपिनियन एनी केस फाउंडेड ऑन प्रेयर फॉर ब्लॉकिंग स्टेटमेंट हैज टू बी टेस्टेड ऑन अवेल ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) टर्मिनोलॉजी मे बी ऑफेंसिव। टर्मिनोलॉजी ऑफेंसिव हो सकती है, उसके लिए आप बात कर सकते हैं, लेकिन ओपिनियन को आप ऐसे तरीके से काउंटर बार बार नहीं कर सकते। उसको आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर टेस्ट करना पड़ेगा कि वो क्या है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो इतना नहीं। इन इट्स रिमार्क द कोर्ट सेड इन दिस केस वी वांट अ रिस्पांस फ्रॉम ऑल पार्टीज टू बाबा रामदेव द दिल्ली हाई कोर्ट हैज गिवन 3 weeks टाइम टू ऑल पार्टीज टू फाइल रिप्लाईज एंड विल हियर केस नेक्स्ट ऑन July 30। अब AIMIM के लीडर साहब हैं सैयद नजीम अली, नूरपुर की जो दलित वायलेंस की घटना है आपको दिख रहा होगा उसकी, इनकी पूरी वीडियो है आपके चैनल के माध्यम से, उन्हें भी कह देना चाहता हूँ कि नमाज तो देखिए होगी, और हाँ हम बारात नहीं चढ़ने देंगे, अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं चढ़ने देंगे, आप ईंट ले आओ, पत्थर ले आओ, गोली ले आओ, हम नहीं करने देंगे आप लोगों को ये सब। आपको मैं पूरा किस्सा समझा देता हूँ, हिंदी वाला आप देख भी सकते हैं और ट्वीट भी देख सकते हैं, पाखंड से भरा ट्वीट। AIMIM नेता ने कहा कि भाजपा की शकुंतला देवी कहती हैं कि नूरपुर से बारात नहीं निकलने दिया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। पहली चीज, घटना क्या थी, नूरपुर में जब भी बारातें निकलती थी तो लोग मुसलमान जो भी वहाँ के थे, जो डोमिनेट कर रहे हैं उनकी आबादी ज़्यादा है, जो भी कारण है, जो मैंने हर बार कहा है जब भी आबादी ज़्यादा होती है ऐसा ही रंग दिखाते हैं, तो क्योंकि एक चूल है कि नॉन मुस्लिम्स को हम यहाँ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो वो परेशान करते हैं, जब तक या तो छोड़ के जाना चला जाए, कन्वर्ट ना हो जाए, कन्वर्ट होने के लिए भी दबाव बनाते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बात की हुई है, लाइव में देख सकते हैं। तो मैडम ने कहा शकुंतला देवी ने कि हम बारात तो निकालेंगे और नहीं निकलने दी तो ईट साइड बजा देंगे, तो इन्होंने क्या कहा। अब एक कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है तो ये क्या कर रहे हैं, मैं उन्हें यह कहना चाहता हूँ कि नूरपुर में नमाज तो होके रहेगी, कोई हमें रोक नहीं सकता, इसमें दबंग गई नहीं थी लेकिन, है ना, हाँ वहां से बिना हमारी इजाजत के बारात नहीं निकलेगी, आप ईंट पत्थर गोली या चाहे जो ले आओ। फिर ये महाराज क्या कहते हैं, देश संविधान से चलेगा, दबंगई किसी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि देश में क्या होगा, पहली चीज, ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि उस इलाके से किसकी बारात निकलेगी किसकी नहीं निकलेगी, ये कौन होते हैं इजाजत देने वाले, भाई तुम्हारी औकात क्या है। शाबाश बेटा,
क्या है, औकात क्या है तुम्हारी, तुम रोक के दिखा दोगे, तुम रोक के दिखा दोगे, मेरा कोई जवाब दे दे। भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं, मैं धोखे से निकल गई, आज मैं मरी जाऊंगा भगवान। तो खुद ये कमेंट करना वैसे ही ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली चीज, खुद दबंगई दिखाना कि इजाजत के बिना नहीं जा सकती, नमाज तो होके रहेगी, मैडम ने तो नहीं कहा ऐसे, ये टोन यूज नहीं की, करना तो नहीं को चाहिए था कि तुम्हारा पहले छेड़छाड़ का मामले सामने आया है, उन्हें इतनी दबंगई से बात करनी चाहिए, लेकिन दबंगई से बात भी तुम कर रहे हो और क्वेश्चन भी उन्हें कर रहे हो दबंगई के ऊपर, बेशर्मी की सीमा पार। खैर अब 5G वाले मामले मैंने आप लोगों को लाइव में एक बार बताया था कि मैडम जूही चावला चली गई हैं कि 5G की टेस्टिंग रोक दी जाए। हाई कोर्ट ने इस पे सुनाया है अपना फैसला कि मैडम की ये जो सूट था ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट था, मीडिया पब्लिसिटी थी एक तरीके की, देख सकते हैं आप। हाई कोर्ट कॉल जूही चावला सूट अगेंस्ट 5G टेक्नोलॉजी डिफेक्टिव सेज फाइल्ड फॉर मीडिया पब्लिसिटी। अब मैंने पहले भी बोला है कि अगर आपका ये तर्क होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन लॉजिकल टर्म लॉजिकल तर्क क्या हो सकता है इस चीज़ का कि अगर आप ये सूट फाइल कर रही थी या शायद नहीं किया या शायद करना चाहिए था कि 5G के स्पेक्ट्रम को, उसकी फ्रीक्वेंसी को या उन वेव्स को कंट्रोल किया जाए जिससे प्रकृति का नुकसान है, चिड़ियाएँ मर जाएँ, इसका आप ध्यान रखें कि उतनी फ्रीक्वेंसी ना पहुँचे, उतनी वेवलेंथ, उतनी स्पेक्ट्रम, इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाए क्योंकि इन्हीं की बिडिंग होती है, जितना ज़्यादा स्पेक्ट्रम जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा उतनी ज़्यादा आपकी कनेक्टिविटी होगी, स्पीड होगी, बैंडविड्थ होगा, इसकी मार्केट में होड़ लगेगी और इसकी वजह से प्रकृति का नुकसान होगा ही होगा। अगर आपको ये कंसर्न था भी तो वो ग्राउंड उठाते ताकि हाई कोर्ट डायरेक्ट कर सकती थी कि भैया आप थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा, ये हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात पर, शायद मैडम का वो कंसर्न नहीं रहा होगा, वरना हाईकोर्ट इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इन सब चीज़ों को ना समझ सके। तो हाईकोर्ट ने कह दिया भाई कि आपका सिर्फ एक मीडिया पब्लिसिटी थी और कुछ नहीं, लताड़ दिया। अब एक प्यारी सी बच्ची जम्मू एंड कश्मीर से आती है जिसने सबका दिल जीती है, सबका दिल जीती है, मैं भी कहता हूँ ऐसे लोग जम्मू कश्मीर के होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे होते नहीं, इतने मासूम और सच्चे दिल वाले और साफ, मतलब ऐसे लोग नहीं होते। खैर मतलब कश्मीरी मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, ये शायद मुसलमान ही थी, तो ऐसे लोग नहीं होते, क्योंकि अभी आगे बात करेंगे कश्मीर में क्या हो रहा है। तो तुरंत जम्मू एंड कश्मीर के एलजी साहब ने कह दिया कि नो होमवर्क टिल क्लास 5, उन्होंने बर्डन लूज कर दिया। JNK एलजी शेयर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑन 6 year ओल्ड कश्मीरी गर्ल्स प्ली, नो होमवर्क टिल क्लास 5, ठीक है। तो ये चलो अच्छी बात है, प्यार से आप क्या ना करवा लें। अब यही चीज़ें हैं कि पत्थरबाज कहते हैं कि हमारी नहीं सुनी जा रही है, तो हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हम यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स हैं, आप दोगले हैं। खैर जो कश्मीर में हो रहा है हिंदुओं के साथ, मुसलमानों की तो एक प्यारी सी बच्ची ने प्यार से कुछ बोल दिया, सुन लिया, लेकिन भाजपा अपने ही कार्यकर्ताओं को नहीं बचा पाई। इतराल में कश्मीरी पंडित राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या, परिवार ने उच्च स्तरीय जाँच की मांग की। वाह वाह वाह, उच्च स्तरीय जाँच की मांग कर दी, इससे पहले भी एक पंडिता साहब के साथ हो चुका है गोली मारकर हत्या, उनकी बेटी ने बोला मेरे आंखों के सामने हुआ। कश्मीरी पंडितों की किलिंग अभी बंद नहीं हुई है और इतने बड़े बड़े चेहरों की किलिंग हो रही है कि आप अगर उन चेहरों की किलिंग नहीं रोक पा रहे तो बिहाइंड द सीन कितनी किलिंग, रेप और मर्डर और कन्वर्जन हो रहा होगा आपको ये पता भी नहीं है। तो एथनिक क्लिनजिंग टाइप का ये चल रहा है और आप इसके ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे, तो भाजपा का ये बहुत बड़ा फेलियर है। मैं कहना चाहता हूँ कि वो अपने कार्यकर्ताओं का कोई प्रोटेक्शन नहीं कर पा रही है, प्रोटेक्शन सबको गार्ड देते हुए तो नहीं फिरेंगे ना, लेकिन आपको खतरा तो सेंस करना चाहिए, कैसे इलाके में हैं ये लोग, कितना सेंसिटिव एरिया है, उनको क्या नीड्स हैं, एक दो गार्ड की ज़रूरत है कि नहीं, गनर्स की ज़रूरत है, एक दो तो आप लगा ही सकते हो, हर आपको पूरे देश में गनर नहीं देने आपके हर कार्यकर्ता पे, लेकिन कश्मीर जैसे एरिया में आपको उन्हें सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, जहाँ पे आप फेल रहे हैं उसकी वजह से इनकी किलिंग्स हो रही हैं। और जाते जाते आपसे मीम शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किया था कि मंदिर में पानी पीने पर बच्चे आसिफ की पिटाई हुई, बच्चे आसिफ की पिटाई, बहुत प्यारा बच्चा था, मंदिर के बाहर नल था फिर भी वो मंदिर के अंदर पानी पीने गया, एलिगेशंस थे कि शिवलिंग पे सुसू करने की कोशिश की उसने, तो उस लिए पिटाई हुई, ऐसा कुछ था, फिर भी इन लोगों ने देश को अपने सर पर उठा लिया कि क्या टंटा हो रहा है, क्या ये सेकुलरिज्म है और क्या ये ह्यूमन राइट है और क्या मुस्लिम्स की सिक्योरिटी है, विक्टिम कार्ड, माइनॉरिटीज़, सब खेलने लग गए, ठीक है, सारा टंटा शुरू हो गया, इनको सारी फंडिंग मिल गई। लेकिन ये लोग वही हैं जो कान बन करके बैठ जाते हैं जब मस्जिद में पानी पीने गई मात्र 10 साल की बच्ची,
मौलवी का शिकार हो जाती है, मौलवी बलात्कार कर देता है, ये लोग चुप हैं, एक शब्द नहीं कहा इन लोगों ने, इन पाखंडियों ने। मैं चैलेंज करता हूँ रवीश कुमार को, औकात है तुम्हारी, रवीश कुमार, आरफा खानम, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, तुम लोग की औकात है तो एक बार, अभी एक 10 साल की बच्ची का हुआ, फिर एक 12 साल की बच्ची का, ये और मॉस्क में बंदूकें रखना, पत्थर रखना, रेप होना, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता आया है, लेकिन उस पर आपने कितनी बार आवाज़ उठाई ये बताइए, अगर औकात है तो। और क्या मेरे बोलने के बाद भी इतनी हिम्मत है आपके कि आप ये कर पाएँ? कर देंगे अगर आप तो मैं सरेआम यहाँ पे, जो मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ ना बार बार, औकात औकात, मैं उस पर सॉरी बोलूँगा और ये वीडियो हटा दूँगा, लेकिन आप कर नहीं सकते क्योंकि आपकी औकात है नहीं। बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आज लाइव आना होगा तो आप लोगों को बता देंगे, कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे, ऐसे बने रहिएगा, समर्थन करते रहिएगा, कोई नया है सब्सक्राइब करना ना भूले, किसी भी तरह का सपोर्ट कंट्रीब्यूशन करना हो तो यहाँ कर सकता है, और किसी भी तरह के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पेमेंट से लेके ज्वाइनिंग तक फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।